तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आस्था, नोएल और हमारा स्पाइकी बॉय तीनों ही ये विलेज में गए होते हैं और तभी ही यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस मेजेस ने आके अटैक किया होता है। तो विलेजर्स को बचाने के लिए नोएल अपना एक नया स्पेल यूज करती है और एक पानी का बहुत बड़ा सा डोम अपने आसपास बना देती है और वो उसको एक शील्ड की तरह यूज करती है। और इस शील्ड के ऊपर जैसे ही वो मेज अपना आइस वाला अटैक करता है तो उसके सारे के सारे आइस के एरोस इस शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और तभी ही आस्था इस शील्ड में से बाहर निकलता है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो शील्ड है के अंदर आना मुश्किल है लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत आसान है। और आस्था इससे बाहर निकलने के बाद इन मेज के लीडर को चैलेंज करता है और वो फटाक से उसके लीडर के ऊपर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से और वो ऐसा अटैक करता है कि उनके लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन इनके लीडर ने लास्ट मोमेंट पे आस्था के पैर के ऊपर बर्फ जमा दी होती है जिस वजह से आस्था का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाता है और इसी वजह से इनका लीडर असल में जिंदा रहता है और ये अटैक के बाद। और फिर तभी ही इनका लीडर एक आइस वाला स्पेल यूज करता है और वो एक आइस का स्पाइक आस्था के अंदर भोग देता है और आस्था बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद ही लीडर जाता है ये पानी के डोम के पास और इसके ऊपर अपना आइस मैजिक यूज करता है और इसको जमाने लगता है। तो तभी ही स्पाइकी बॉय सोचता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सबके सब लोग खत्म हो जाएंगे, तो वो अपना दिमाग लगाता है। लेकिन इसी वक्त आस्था वापस से उठता है और वो जाके अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन इनका लीडर आस्था के ऊपर फिर से अटैक करता है। आस्था गिरता है लेकिन वापस उठ के अटैक करता रहता है। इसी वक्त हमें वो लोग स्पाइकी बॉय का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहां पे स्पाइकी बॉय अपने पहले के टाइम पे सोच रहा होता है कैसे विलेज के लोग बहुत खुश हो गए थे जब स्पाइकी बॉय एक मैजिकल नाइट बन गया था और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और विलेज के चीफ ने स्पाइकी बॉय को एक स्पेशल गिफ्ट दिया था जो कि था उसके ग्रिम रोर को रखने के लिए एक पॉकेट। और तभी हमें दिखाते हैं कि डोम के बाहर आस्था इस विलन को बोल रहा होता है कि मैं तो विजर्ड किंग बनने वाला हूं, तो मैं यहां पे आसानी से नहीं हारने वाला हूं। तभी ये विलन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अभी 30 सेकंड के अंदर खत्म कर दूंगा और वो आस्था को अटैक करने वाला होता है कि तभी ही स्पाइकी बॉय इस डोम में से बाहर निकलता है अपना फायर वाला एबिलिटी यूज करते हुए और बोलता है कि मैं इसका सीनियर हूं, तो पहले तुम्हें मुझसे हमला करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इसको हाथ लगा सकते हो। तो स्पाइकी बॉय यूज करता है एक सोल बॉल जिसके ऊपर वो यूज करता है फ्लेम मैजिक प्रिजन डेथ स्कैटर शॉट। ये वाले अटैक में उसका जो सोल बॉल होता है वो मल्टीपल बॉल्स में कवर हो जाता है और वो फटाक से जाके एनिमी के ऊपर अटैक करता है और एनिमी को लगता है कि ये वाला अटैक तो वेस्ट हो गया है और ये अटैक करने के बाद हमारा स्पाइकी बॉय जमीन पे गिर जाता है। मीनवाइल जो हमारा एनिमी का लीडर होता है वो बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक वेस्ट हो चुका है बेटा, तो अब तुम खत्म होने वाले हो, ऐसा बोल के वो हमारे स्पाइकी बॉय के ऊपर बर्फ के एरोस गिराने वाला होता है। लेकिन तभी ही आस्था पीछे से आता है और वो अपने स्वॉर्ड से स्पाइकी बॉय के फ्लेम वाले अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और हमारे एनिमी के ऊपर मार देता है और ये चीज हमारे एनिमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। लेकिन हमें तभी ही दिखाते हैं कि स्पाइकी बॉय के ऊपर वो सब एरो गिर रहे होते हैं तो नोएल वहां पे आती है और वो एक डोम क्रिएट करती है स्पाइकी बॉय के आसपास और ऐसे ही वो स्पाइकी बॉय को बचा लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो हमारा मेन विलन होता है वो असल में स्पाइकी बॉय के अटैक की वजह से जल रहा होता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने आप को फ्रीज कर दूंगा और इस सारी की सारी आग ऐसे ही बुझ जाएगी। लेकिन तभी ही आस्था पीछे से आता है और वो अपने स्वॉर्ड से मेन विलन के ऊपर अटैक करता है और मेन विलन को हरा देता है। उसके बाद स्पाइकी बॉय अपना बाइंडिंग मैजिक यूज करता है और वो इन सबको अपने बाइंडिंग मैजिक से पकड़ लेता है लेकिन इसमें से एक बंदा यहां से भाग जाता है। फिर इस फाइट के बाद आस्था बेहोश होकर गिर जाता है लेकिन वो असल में सो रहा होता है, तो नोएल उसके पास देखती है और बोलती है कि ये जैसा भी है ये है तो काम का, ऐसा बोल के वो ब्लश करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नोएल धीरे धीरे आस्था के प्यार में पागल हो रही है। उसके बाद तभी ही आस्था के कपड़ों के अंदर से ये एंटी बर्ड निकलता है और वो उड़ के विलेज के ऊपर पहुंच जाता है और तभी ही उसको कुछ तो दिखता है, तो ये बर्ड जाता है ढूंढते हुए और उसको मिल जाता है वो वाला मैजिक स्टोन जिसके लिए एनिमीज यहां पे आए होते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था उड़ गया होता है और उसके साथ साथ ही सारे के सारे एनिमीज भी उड़ गए होते हैं। तो हमारा स्पाइकी बॉय उनसे थोड़ा इंट्रोगेशन करता है, उनसे सवाल जवाब करता है, वो बोलता है कि तुम्हें यहां पे किसने भेजा और मुझे तुम्हारा रियल मोटिव बताओ। तो जो इनका लीडर होता है वो बोलता है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करने वाला हूं, वेल ये मिशन मैं हार चुका हूं, ऐसा बोल के वो अपने आप को और अपने बाकी साथियों को फ्रीज कर देता है और उनको खत्म कर देता है और यहां पे उनकी सारी की सारी चीजें उनके ग्रिम रोर को इंक्लूड करते हुए गायब हो जाती है। सिर्फ यहां पे एक चीज बचती है और वो होती है उसका वॉच। वेल अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर हमें मालूम पड़ता है कि जब यहां पे एनिमीज ने अटैक किया होता है इस विलेज के ऊपर तो यहां पे सिर्फ चीफ अकेले खड़े हुए रहते हैं इनसे लड़ने के लिए। वो इनके ऊपर बहुत अच्छा अटैक करते हैं लेकिन चीफ अकेले इनके मुकाबला नहीं कर पाते हैं और ये एनिमी लोगों ने चीफ को खत्म कर दिया रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो चीफ का ग्रैंड चाइल्ड होता है वो चीफ के ग्रेव पे रो रहा होता है। तभी ही हमारे हीरोज यहां पे आते हैं और उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो चीफ का ग्रैंड चाइल्ड बोलता है कि क्या मैं भी एक मैजिकल नाइट बन सकता हूं, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि हां तुम डेफिनेटली बन सकते हो और इसके बाद वो थोड़ा खुश हो जाता है। ऐसे ये लोग सबके सब खुश रहते हैं लेकिन तभी यहां पे वो एंटी बर्ड आती है और वो आस्था के टकले में मारने लगता है और तभी वो बच्चा बोलता है कि इसके मुंह में जो वो स्टोन है वो तो मेरे ग्रैंडपा का चार्म है। तो फिर ये ग्रैंड चाइल्ड बोलता है कि आस्था ये वाला चार्म मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ये चार्म अपने साथ रखो क्योंकि तुमने इस विलेज को बचाया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो वो चौथा बंदा जो भाग गया होता है एनिमीज में से वो अपने बॉस को जाके पूरा का पूरा रिपोर्ट देता है कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो इसका बॉस बोलता है कि हम तो ब्लैक बुल्स को कभी भी हरा सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि
वो लोग के पास उस मैजिक स्टोन को थोड़े टाइम के लिए रहने देता हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो एक वॉल के सामने खड़ा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे मैजिक स्टोन्स लगे हुए रहते हैं, और वो बोलता है कि हमारा मेन गोल तो ये है कि हमें हमारे मास्टर को वापस से रेजुरेक्ट करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सब मैजिक स्टोन को यूज करके ये लोग इस दीवार के ऊपर लगाएंगे और अपने मास्टर को रेजुरेक्ट करेंगे, जो कि एक बहुत खतरनाक मेज होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है। वेल, मैं जानता हूँ कि आप लोग को ये वाला एनिमे बहुत पसंद आ रहा है, तो इसीलिए मैं इस एनिमे को पूरा 100% कवर करने वाला हूँ चैनल पे। लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, इस एनिमे के ऊपर मुझे बहुत सारे कॉपीराइट के क्लेम्स पड़ रहे हैं, जिस वजह से मुझे ये एनिमे को अपलोड करने में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, और इसीलिए मैंने बहुत कम क्लिप्स यूज की है इन सब वीडियोस में। तो आई होप आप लोग को इससे थोड़ा इशू ना हो, क्योंकि मैं क्लिप्स बहुत कम यूज करने वाला हूँ ये वाले एनिमे के लिए, और बहुत सारे स्टिल फ्रेम्स यूज करूंगा। तो होपफुली आप लोग इस एनिमे का मजा उठाएंगे, क्योंकि ये एनिमे है तो बहुत मजेदार। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्ता, नोवेल और हमारा स्पाइकी बॉय तीनों ही मिलके यामी को रिपोर्ट दे रहे होते हैं उनके पहले मिशन का। तो उनका रिपोर्ट सुनकर यामी हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो तभी आस्ता और नोवेल बोलते हैं, ये आदमी कैसा है यार, एक इंसान की जान चली गई यहाँ पे और ये हंस रहा है, कि इंसान के जान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तभी यामी बोलता है कि तुम लोगों ने तुम्हारे पहले मिशन में बहुत अच्छा काम किया और मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, तुम लोग को खुश रहना चाहिए। तो ये देख के हमारा स्पाइकी बॉय एक सैल्यूट मारता है, बोलता है कि ये मैजिकल नाइट्स का सैल्यूट है, आस्ता तुम भी ये सैल्यूट करो। तो आस्ता भी ऐसा ही सैल्यूट करता है, और तभी ही यहाँ पे हमारी विच आ जाती है और उसके साथ साथ पोर्टल बॉय आ जाता है। ये लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि इन लोगों ने वो वॉच को दे दिया था इन्वेस्टिगेशन वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन इनको कोई भी क्लू नहीं मिला है कि वो लोग कौन थे। लेकिन ये बोलते हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे उससे लग रहा है कि वो लोग या तो वो लोग नोबल्स थे या तो वो लोग रॉयल्टी के थे। ऐसे ये लोग बात करते थे कि तभी वो एंटी बर्ड आस्था के अंदर से निकलती है, और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि वाओ ये बर्ड कितनी क्यूट है। लेकिन ये बर्ड आस्था को उसके टकले पे चोंच मारने लगता है। तो फिर आस्था बोलता है कि यार मैं तुझे खत्म करने वाला हूं, ऐसा बोल के थोड़ा तोड़फोड़ करने लगता है। तो ये देख के यामी और गुस्सा हो जाता है। उसके बाद यामी इनको बोलता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों का पहला मिशन इतना अच्छा था कि उसको विजर्ड किंग ने एक्नॉलेज किया है और उन्होंने दिया है हमें ये स्टार जो। और तभी हमको मालूम पड़ता है कि ये जो स्टार्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा स्क्वाड सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, और जो नंबर वन स्क्वाड है वो है द गोल्डन डॉन स्क्वाड, उनके पास इस वक्त 70 स्टार्स है। तो तभी आस्था यामी से पूछता है कि हमारे पास कितने स्टार्स है। तो यामी बोलता है हमारे पास है नेगेटिव 30 स्टार्स। इसका ये मतलब है कि यामी ने कुछ ऐसे काम किए जिस वजह से उनके पास जीरो स्टार्स नहीं है, उनके पास नेगेटिव स्टार्स है, मतलब उनसे स्टार्स लिए गए हैं विजर्ड किंग ने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यामी ने ऐसे कैसे कैसे काम किए हैं ब्लैक बुल्स के अंदर। फिर उसके बाद यामी सबको उनका सैलरी देता है, बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया तो ये रहा तुम सबका सैलरी। और सैलरी देख के सबके सब मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद यामी इनको बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और तुमको तुम्हारा सैलरी भी मिल गया है, तो मैं तुम लोग को कल का दिन छुट्टी देता हूँ, तुम लोग जाओ मजे करो, शॉपिंग करो, जो करना है करो। तो फिर आस्था बोलता है यस मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए, इससे मैं सिस्टर लिली के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। और तभी नोवेल बोलती है कि ये तो बहुत कम पैसे है। बाय द वे ये सिस्टर लिली कौन है? यहाँ पे असल में नोवेल थोड़ी सी जेलस होने लगती है सिस्टर लिली से। तो इसका ये मतलब है कि शायद से नोवेल को आस्था से प्यार होने लगा है। फिर उसके बाद हमारी विच आस्था के पास आती है और कहती है कि तुम्हें कुछ पैसे तुम्हारे विलेज में भेज देने चाहिए एक लेटर लिख के। तो आस्था बोलता है कि मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमारी विच बोलती है कि चलो कल मैं तुम्हें लेके जाती हूँ शॉपिंग कराने के लिए। फिर रात के समय आस्था एक लेटर लिखता है और उसके साथ साथ वो अपने सैलरी में से कुछ पैसे भेज देता है सिस्टर लिली के पास। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नया दिन आ चुका होता है और इस वक्त हमारी विच नोवेल और आस्था को अपने झाड़ू के ऊपर बैठा के लेके जा रही होती है शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट पे। इस वक्त नोवेल इन दोनों के बीच में बैठी होती है और नोवेल का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है आस्था के लिए। और फिर ऐसे ही वो लोग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पे पहुंचने के बाद आस्था हर जगह देखता रहता है और बोलता है कि वाओ ये जगह तो इनक्रेडिबल है। और वो बोलता है कि मैं यहां पे सिस्टर लिली और हमारे चर्च के सारे बच्चों को लेके आऊंगा डेफिनेटली। तभी हमें दिखाते हैं कि जो बंदा अपनी बहन से बहुत प्यार करता है उसने अपनी बहन के लिए बहुत सारे कपड़े लिए होते हैं और वो खुशी खुशी उड़ के जा रहा होता है। मुझे ये बंदा बहुत ही ज्यादा कॉमेडी लगता है यार। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी लड़की होती है जो बहुत खाना खाती है वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वो वहां के शेफ के साथ बेट लगाती है कि वो उसका सारा का सारा खाना बहुत फटाफट खा सकती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जो हमारा थर्की बंदा होता है वो एक लड़की के ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसको चमट मार के वहां से निकल लेती है। फिर उसके बाद हमारी विच नोवेल और आस्था ऐसे ही सिटी के थ्रू चलते रहते हैं और उनको देख के सब लोग थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अरे यार ये लोग तो मैजिक नाइट्स हैं जो कि ब्लैक बुल स्क्वाड के हैं, तो हमें इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि इनका नाम बहुत खराब है। ऐसे ही वो लोग चलते रहते हैं और हमारी विच बोलती है कि अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगी बहुत ही स्पेशल जगह पे। तो हमारी विच एक दीवार के आर पार जाती है और इन तीनों को लेके जाती है ब्लैक मार्केट में, जहां पे वो कहती है कि यहां पे बहुत सारे खतरनाक मैजिकल आइटम्स मिलते हैं। वो कहती है कि नोवेल हम तुम्हारे लिए एक ऐसा मैजिकल आइटम लेंगे जो तुम्हारे लिए तुम्हारे मैजिक को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो ये सुनकर नोवेल बहुत खुश हो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा स्पाइकी बॉय ब्लैक मार्केट में एक जगह पे जाके थोड़ा सा पैसे कमाने की कोशिश करता है गलत अंदाज में। फिर हमें दिखाते हैं कि जो हमारा बुहाहा वाला बंदा होता है जो आस्था के साथ टेस्ट में लड़ रहा होता है वो यहाँ पे एक बुढ़ी के साथ पत्ते वाला गेम
खेल रहा होता है और वो यहाँ पे अपने सारे के सारे पैसे हार चुका होता है वो बुड्ढी के अगेंस्ट। और ऐसे ही मन उदास करके बूहा वहां से जाता रहता है और तभी वो बोलता है कि यार वो आस्था के वजह से मैं इतने खराब स्क्वाड में आ गया हूं, वो प्रेइंग मेंटस वाले में, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और तभी उसकी नजर पड़ती है हमारी विच और नोवेल के ऊपर और वो बोलता है वाओ इतनी क्यूट लड़के यहाँ पे क्या कर रही है, चलो मैं जाके इनसे बात करता हूँ। तभी नोवेल और हमारी विच नोवेल के लिए एक मैजिकल आइटम ले रहे होते हैं जो उसका हेल्प करता है उसके मैजिक को कंट्रोल करने में। तो नोवेल ये आइटम पहन के अपना मैजिक टेस्ट करती रहती है और वो बूहा के ऊपर अटैक कर देती है गलती से। तो बूहा यहाँ पे आके इन दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है बूहा के अंदर। तभी आस्था वहां पे आता है एक अजीब सा चीज लेके जिसके ऊपर खींचने से वो बोलता है कि हम इंसान है। तो नोवेल बोलती है कि तुमने ये चीज क्यों खरीद लिया है। तभी ही बूहा आस्था को देखता है और बोलता है कि आस्था तुम इन दोनों क्यूट लड़कियों के साथ घूम रहे हो, मुझे बहुत जलन हो रही है तुमसे यार। तभी बूहा आस्था को हाय बोलता है और बोलता है कि आस्था तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आस्था बोलता है कि आज हमारी छुट्टी है तो हम लोग ब्लैक मार्केट में घूम रहे हैं और ऐसे ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो बूहा थोड़ा शाना बनने की कोशिश करता है, वो आस्था से कहता है कि आस्था तुम्हें तुम्हारे छुट्टी के दिन भी कम से कम बेसिक टास्क तो करने चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्क्वाड में नेगेटिव स्टार्स है। तभी आस्था बोलता है कि ये बात तो सही है लेकिन कल के दिन पे हमें हमारा पहला स्टार मिल गया था, मुझे और नोवेल को, जो कि हमारा पहले मिशन पे हुआ था। ये सुन के बूहा को शॉक लगता है तो बूहा भी आस्था से झूठ बोलता है, बोलता है कि मुझे भी कुछ दिन पहले मेरा दूसरा स्टार मिला था। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो बुड्ढी जो बूहा के साथ खेल रही थी उसकी सारे के सारे पैसे लूट के एक चोर वहां से भाग जाता है। तो ये देखने के बाद आस्था उस चोर का पीछा करता है और तभी ही बूहा बोलता है कि आस्था मैं तुझे मुझसे वापस नहीं जीतने दूंगा, ऐसा बोल के वो अपना ब्रॉन्ज क्रिएशन मैजिक यूज करता है और वो बनाता है सिक के शूटिंग स्टार जो कि बहुत ही क्रिंजी चीज होती है। ये बना के वो आस्था और चोर के पीछे लग जाता है। यहाँ पे ये चोर हर जगह उड़ते उड़ते भागता रहता है और आस्था उसका पीछा करता रहता है। तो ये चोर बोलता है कि यार ये बंदा अपने पैरों पे भागते भागते मुझे ऑलमोस्ट पकड़ कैसे रहा है, ऐसा बोल के ये चोर बोलता है कि अब मुझे फुल स्पीड में भागना पड़ेगा। तो ये चोर उड़ते हुए आसमान की तरफ उड़ने लगता है और बोलता है कि अब तो मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी ही आस्था अपना स्वॉर्ड निकालता है और वो अपने स्वॉर्ड को इसके क्लाउड के ऊपर मार देता है। और जैसा कि हमको पता है आस्था का स्वॉर्ड मैजिक काटने में एक्सपर्ट है तो वो फटाक से इसके क्लाउड को काट देता है और ये चोर जमीन पे गिरने लगता है। तभी ये चोर जमीन पे गिरने के बाद भागने लगता है और आस्था इसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो मिस कर देता है। और उसी वक्त बूहा पीछे से आता है और वो ये चोर को अपने स्टुपिड से बाइक से ठोक देता है और ये चोर गिर जाता है। तो बूहा बोलता है कि मैंने तुम्हें आखिर पकड़ ही लिया। लेकिन तभी ये चोर अपने जेब में से एक पॉइजन नाइफ निकालता है और वो बूहा के पैर पे मार देता है। और तभी बूहा बोलता है कि अरे नहीं मैं ऐसे खत्म नहीं होना चाहता हूँ, इसने एक पॉइजनस नाइफ मुझे मार दिया और अभी मुझे लगता है कि मैं खत्म होने वाला हूँ। तो आस्था यहाँ पे भाग के आता है और बूहा को बोलता है बूहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बूहा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि आस्था तुम्हें मेरा ड्रीम कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा बोल के बूहा बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी आस्था उसको एक फटका मारता है और उठा देता है और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ पे विच आई होती है और विच ने एक ऑइंटमेंट लगा दिया होता है बूहा के पैर पे और वो बोलती है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन का कुछ असर ही नहीं हुआ क्योंकि इस नाइफ में पॉइजन नहीं था, इसके अंदर सिर्फ नमिंग वाला एबिलिटी था, तो इसने तुम्हारे पैर को सिर्फ सुन कर दिया था। फिर इसके बाद बूहा उठता है, थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वो अपने बाइक पे इस चोर को बैठा के वहां से निकल लेता है, बोलता है कि मैंने इसे अरेस्ट कर दिया है, अब मैं इसे लेके जाऊंगा अथॉरिटीज के पास। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि आस्था और उसकी गैंग ने इस बूढ़ी औरत को उसके पैसे वापस दे दिए होते हैं। तो आस्था इसको बोलता है कि मैम प्लीज आप ध्यान दीजिए अपने सामान का, ऐसा बोल के वो यहां से निकल जाता है। तब ये बूढ़ी औरत बोलती है कि वाओ एक ऐसा मैजिक जो कि मैजिक को काट सकता है ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये लड़के के पास बहुत अच्छा मैजिक है, वेल क्या ये चीज मैजिक भी है क्या, ऐसा बोल के ये बूढ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्चुअल विजर्ड किंग में। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो असली विजर्ड किंग था वो यहाँ पे आया होता है और वो आस्था को टेस्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद जैसे ही विजर्ड किंग अपने विजर्ड किंग वाले फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आस्था के मैजिक के बारे में बात कर रहा होता है तभी उसका असिस्टेंट वहां पे आता है और वो कहता है कि सर आपको यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो हमारा विजर्ड किंग हंसने लगता है और कहता है कि मेरा काम है मेरे प्रजा के बारे में जानना तो मैं वही कर रहा हूं, ऐसा वो बोलता रहता है। और तभी उसको यूनो दिखता है तो वो बोलता है कि चलो मुझे अगले स्टूडेंट का मैजिक नापना है, ऐसा बोल के वो वहां से गायब हो जाता है। तो अब इसका ये मतलब है कि वो यूनो का मैजिक टेस्ट करेगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूनो और उसके साथ साथ मिमोसा नाम की लड़की होती है और तो और उसका सीनियर होता है जो कि अपने झाड़ू के ऊपर उड़ते हुए इस बंदे को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं और ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये होता है सालिम जो कि होता है यूनो का ओपोनेंट उसके फाइनल वाले टेस्ट में। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग इसे क्यों एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। तो जो सालिम होता है उसके फादर ने गोल्डन डॉन वाले स्क्वाड के मेंबर्स को बोला होता है कि वो लोग सालिम को एस्कॉर्ट करेंगे डायमंड किंगडम की तरफ जो कि बगल वाला किंगडम है क्योंकि वो वहां पे जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। और इस रिक्वेस्ट को ये लोग मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सालिम के जो पापा थे वो बहुत डोनेशन करते थे इन सबके किंगडम में, तो इसीलिए ये लोगों ने ये वाले टास्क को उठाया था। मीनवाइल हमारा सीनियर सोचता है कि यार इस बंदे ने यूनो को क्यों अपना बॉडीगार्ड रखा क्योंकि यूनो से तो इसका 36 का आंकड़ा है। फिर इसके बाद सालिम यूनो को अपने पास बुलाता है और बोलता है यूनो मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट था लेकिन मैं तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता हूं, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम मेहनत करो और तुम विजर्ड किंग बन जाओ ताकि जब मैं बड़ा हूं और मेरे बच्चे हो तो मैं उनसे बोल सकूं कि मैंने विजर्ड किंग से लड़ाई की थी, ऐसा बोल के वो हंसने लगता है और बोलता है कि यूनो तुम मुझे थोड़ा तुम्हारे बारे में भी बताओ। तो यूनो उसको
अपने गांव के बारे में बताता है, वो सिस्टर लिली के बारे में बताता है, आस्था के बारे में बताता है और अपने गांव के लोगों के बारे में बताता है। और ऐसे ये लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी आसमान में कुछ तो अलग सी चीज होने लगती है, वहां पे काले काले बादल आने लगते हैं। तो यूनो बोलता है कि मैं जाके इसे चेक करके आता हूं। तो यूनो जैसे ही इसको चेक करने जाता है तो इस काले बादल में से चार पांच मेज निकलते हैं और वो लोग यूनो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यूनो अपना मैजिक करके इनके अटैक को रोकता तो रहता है, लेकिन इसमें से एक आइस वाला अटैक होता है जो कि यूनो के ब्लाइंड स्पॉट से आता है। तो उसको रोकने के चक्कर में यूनो अपने झाड़ू से नीचे गिरने लगता है और ये सारे के सारे लोग फटाक से जाते हैं यूनो के ऊपर अटैक करने के लिए। तो यूनो गिरते गिरते अपना एक और स्पेल यूज करता है और इन सब लोग को हरा देता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद यूनो वापस से अपने झाड़ू के ऊपर आता है और आगे बढ़ने लगता है इनके साथ। तभी यूनो का जो सीनियर होता है वो बोलता है कि वो बंदों ने यूनो के ऊपर अटैक क्यों किया, वो लोगों ने सालिम के ऊपर तो बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, इसका क्या मतलब है। तो फिर सालिम यूनो को बोलता है कि मुझे अब तुम्हारे गांव जाना है, मैं तुम्हारे गांव पर थोड़ा टाइम जाके देखना चाहता हूं कि तुम्हारा गांव कैसा है, और तो और मुझे वो डीमन का स्कल भी देखना है जिसके ऊपर पहले विजर्ड किंग का स्टैचू है, प्लीज मुझे वहां लेके चलो। तो यूनो का सीनियर बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमको आपको बगल वाले किंगडम में पहुंचाना है। तो वो कहता है कि तुम लोग मेरे एस्कॉर्ट हो और मैं जो तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सालिम और बाकी के सब लोग यूनो के गांव पहुंच जाते हैं जो कि होता है द हाजी विलेज। यहां पे पहुंचने के बाद यूनो सबसे पहले सिस्टर लिली से मिलता है और वो सिस्टर लिली को ग्रीट करता है और सिस्टर को बाकी सारे के सारे लोग भी ग्रीट करते हैं, लेकिन सालिम सिस्टर को देखने के बाद उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो सिस्टर अपने आप को बचाने के लिए अपना वाटर मैजिक यूज करती है सालिम के ऊपर और इसी वक्त यहाँ पे फादर और तो और सारे के सारे बच्चे भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे आके यूनो की तरफ भागने लगते हैं उससे मिलने के लिए। फिर इसके बाद फादर और तो और सिस्टर दोनों ही यूनो और उसकी गैंग को अंदर इनवाइट करते हैं खाना खाने के लिए। तो इनका सीनियर बोलता है कि मुझे ऐसे गरीबों की जगह पे क्यों खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन सालिम बोलता है कि हमें यहाँ पे खाना खाना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। ऐसा बोल के सब लोग चर्च के अंदर घुस जाते हैं। फिर इसके बाद चर्च में घुसने के बाद सबके सब लोग मिलके मस्त आराम से पोटैटोस खाते रहते हैं। तो सालिम बोलता है कि तुमने बराबर कहा था, ये जो पोटैटो है ये बहुत ही ज्यादा ड्राई है, इनको खाने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा बोल के लोग धीरे धीरे मस्त पोटैटो खाते रहते हैं। तभी हमारे सीनियर बोलते हैं यार मुझे इन गरीबों का खाना क्यों खाना पड़ रहा है। फिर इसके बाद फादर और तो और सिस्टर दोनों ही यूनो को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों की वजह से, यहाँ पे वो यूनो और आस्था की बात करते हैं, बोलते हैं कि तुम दोनों की वजह से हमारे चर्च को बहुत हेल्प हो रहा है, तुम लोगों ने इतने पैसे भेज दिए हैं कि चर्च में सारे के सारे बच्चों को पूरा टाइम खाना खाने का मौका मिल रहा है। तो फिर ये सुनने के बाद यूनो बोलता है कि अच्छा तो आस्था ने भी पैसे भरे हैं, तो जरा मुझे बताओ कि आस्था ने कितने पैसे दिए हैं। तो सिस्टर यूनो के कान में बोलती है कि आस्था ने कितने पैसे भेजे हैं। ये सुनने का यूनो बोलता है कि आस्था मुझसे ज्यादा पैसे कैसे भेज रहा है, तो अभी से अगले महीने से मैं मेरी सारी की सारी सैलरी यहाँ पे भेजने वाला हूँ। फिर ऐसे ही सब लोग वो पोटैटो खाते रहते हैं और उनको बहुत ड्राई लगने लगता है, तो वो लोग बोलते हैं कि उनको पानी पीना है। तो तभी सिस्टर लिली उनके लिए पानी लेके आती है, लेकिन पानी का पूरा जो मटका होता है वो खाली होता है। तो सिस्टर लिली बोलती है कि मैं फटाक से जाके पानी भर के आती हूँ। तो वो जैसे ही बाहर जाती रहती पानी भरने के लिए, तो सालिम खड़ा होता है और वो बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है तो तुम मेरा जैकेट पहन के जाओ। तो सिस्टर लिली उसका जैकेट पहन के जैसे ही बाहर जाती है और पानी भरती रहती है, पानी भर के वो जैसे ही अंदर आने की कोशिश करती है तभी उसे कोई पकड़ लेता है और किडनैप करके भाग जाता है वहां से। और तभी बाकी के सब लोग बाहर आके इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो फिर जो यूनो का सीनियर होता है वो देखता है कि वहां पे सेम एम्ब्लेम होता है जो कि उन लोग के ऊपर हुआ होता है जो लोगों ने यूनो के ऊपर अटैक किया होता है कुछ वक्त पहले। तो फिर सालिम रोने का एक्टिंग करता है और बोलता है कि ओ नो, मेरे वजह से सिस्टर लिली के ऊपर ऐसा अटैक हुआ क्योंकि मैंने उसे मेरा जैकेट दे दिया था, अरे रे अब हम क्या करेंगे। तभी यूनो बोलता है कि मैं जाके फटाक से सिस्टर लिली को बचा के आऊंगा। ये सुन के चर्च के फादर भी बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और सारे के सारे बच्चे बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो यूनो उनको बोलता है कि नहीं सिर्फ मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन तभी यूनो का सीनियर बोलता है कि हम यहाँ पे नहीं जा सकते, हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि हमें सालिम को बगल वाले किंगडम तक पहुंचा के आना है, हम नहीं जानते कि ये दुश्मन लोग सालिम के ऊपर कब अटैक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस केस को यहाँ की अथॉरिटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो तभी सब लोग सीनियर के ऊपर थोड़ा भड़क जाते हैं। तो लेकिन यूनो बोलता है कि अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग जाओ, लेकिन मैं तो जाके सिस्टर को बचाने वाला हूँ क्योंकि वो मेरी फैमिली की मेंबर है। तो फिर हमारा सीनियर बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम रूल तोड़ रहे होगे। तो यूनो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसा बोल के यूनो फटाक से वहां से निकल लेता है। और वो जैसे ही अंदर घुसता है तो वो हमारे डीमन के स्कल के करीब जाता रहता है, तभी उसको एक मेंबर दिखता है उसके ओपोनेंट का, और वो बोलता है कि यूनो तुम बहुत ही ज्यादा शाणे बन रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूं। ऐसा बोल के वो यूनो के ऊपर अर्थ मैजिक यूज करता है, लेकिन वो यूनो उन सब चीजों को डॉच करता है और वो अपना विंड मैजिक यूज करके इस बंदे को हरा देता है और बोलता है पांच में से एक डाउन हो गया है। तो ऐसे ही यूनो आगे बढ़ता है तो उसके सामने आता है अगला ओपोनेंट जो कि अपना वाटर मैजिक यूज करता है और वो यूनो को एक वाटर के बबल के अंदर ट्रैप कर देता है और बोलता है कि यूनो अब तो तुम फंस गए। लेकिन यूनो बोलता है कि तुम मुझे कैसे फंसाओगे, मैं तो एकदम सेफ हूं, ऐसा बोलता है यूनो। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि यूनो ने अपने आसपास विंड मैजिक यूज करके एक हवा का पैकेट बना दिया होता है और वो उसी पैकेट में इस बंदे के वाटर वाले मैजिक को मिक्स करता है और इसी बंदे के ऊपर अटैक करता है। और ऐसे ही यूनो दूसरे बंदे को भी हरा देता है। फिर यूनो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जमीन पे बहुत सारे फुटस्टेप्स होते हैं, तो वो उन फुटस्टेप्स को फॉलो करता है तो वो तीसरे बंदे के ट्रैप में फंस जाता है। तीसरा बंदा आइस मैजिक यूज करता है यूनो के ऊपर और वो अपने सारे के सारे आइस क्रिस्टल को एक साथ जोड़ के यूनो के ऊपर अटैक करता है। तभी यूनो एक पतला सा विंड वाला क्रिस्टल बनाता है और वो छोड़ता है इस आइस क्रिस्टल के ऊपर और उसे तोड़ देता है।
है और तभी ये बंदे के टूटे हुए आइस क्रिस्टल इसी के ऊपर गिरते हैं और तीन बंदे डाउन हो जाते हैं। फिर यूकिनो डीमन स्केल के करीब पहुंच जाता है और वो तब देखता है कि चौथा बंदा फायर मैजिक यूज कर रहा होता है सिस्टर लिली के ऊपर और वो बोलता है कि अगर यूनो तुम मेरे करीब आए तो तुम्हारी इस सिस्टर का चेहरा मैं जला दूंगा। फिर तभी ये बंदा यूनो को बोलता है कि यूनो अगर तुम चाहते हो कि मैं सिस्टर को नहीं जलाऊं तो तुम तुम्हारा ग्रिमरोर मुझे दे दो। तो यूनो बोलता है कि मैं ये ग्रिमरोर अगर तुम्हें दूंगा तो तुम इसका क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं इसे फाड़ दूंगा या जला दूंगा, मैं कुछ भी करूं उससे तुझे क्या, चल तेरा ग्रिमरोर दे यहां पे। तो यूनो बोलता है कि मैं तुझे ग्रिमरोर नहीं दूंगा और उसके साथ साथ मैं मेरी सिस्टर को बचा भी लूंगा। तो बोलता है वो कैसे करोगे तुम। तो यूनो फटाक से नीचे झुकता है और तभी यूनो के पीछे उसका सीनियर रहता है जो अपना क्रिएशन मैजिक यूज करता है और एक स्पाइरल फेंकता है इस चौथे बंदे के ऊपर और उसके ऊपर अटैक करता है। फिर इसके बाद मिमोसा यहाँ पे आती है और वो सिस्टर के ऊपर हीलिंग यूज करती है। तो फिर यूनो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो हमारा सीनियर हमको बताता है कि जब फर्स्ट टाइम यूनो के ऊपर अटैक हुआ तो उसने डाउट किया कि यार ये बंदे ने यूनो के ऊपर अटैक क्यों किया, इनका टारगेट तो सालिम होना चाहिए, लेकिन सबके सब यूनो के ऊपर अटैक किया और सालिम एकदम चिल कर रहा था। तो ऐसे ही इसको सालिम के ऊपर डाउट गिरा तो उसने मिमोसा का एबिलिटी यूज किया और सालिम के मुंह के ऊपर पूरा एक प्लांट बांध दिया जो कि सालिम के मुंह से सच्चाई उगला रहा था। और तब हमें मालूम पड़ता है कि सालिम बोलता है कि उसको यूनो से बहुत नफरत है, वो नहीं चाहता है कि यूनो आगे बढ़े। तो उसने प्लान बनाया होता है कि वो यूनो का जो फोर लीफ वाला ग्रिमरोर है उसको वो चोरी कर लेगा और जाके बेच देगा और ऐसे ही वो यूनो की बेइज्जती कर देगा। फिर उसके बाद यूनो बोलता है कि तुमने लेकिन मुझे ढूंढा कैसे। तो तब हमें मालूम पड़ता है कि मिमोसा ने एक और मैजिक यूज किया होता है जो कि होता है डिटेक्शन मैजिक और उसके वजह से उसको यूनो की परफेक्ट लोकेशन मिल गई थी। उसके बाद यूनो बोलता है कि हमने पांच में से चार लोगों को तो पकड़ लिया लेकिन पांचवा बंदा कहीं पे गायब हो गया और वो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर हमारा सीनियर बोलता है कि चलो यूनो तुम मुझे बताओ कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। तो यूनो बोलता है कि हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए, मैं इनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता हूं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब यूनो इन्हें छोड़ने की बात करता है तभी ही सालिम वापस से खड़ा होता है और वो यूनो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिस्टर लिली अपना मैजिक यूज करती है और सालिम को बेहोश कर देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो पांचवा बंदा कहां पे गया होता है। वो पांचवे बंदे को विजर्ड किंग ने बांध के रखा होता है और उसने उस बंदे का रूप लिया होता है और वो यूनो को एग्जामिन कर रहा होता है वो पांचवा बंदा बन के, और वो कहता है कि यार गोल्डन डॉन में भी बहुत अच्छा कैंडिडेट आ गया है, वेल यूनो भी एक अच्छा बंदा है, ऐसा बोल के वो दोनों आस्था और यूनो को इवैल्यूएट कर चुका होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चर्च में बैठ के तीनों लोग मस्त आराम से खाना खा रहे होते हैं और इनका सीनियर भी खाना खाता है और बोलता है कि ये अच्छा है लेकिन इसको खाने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गोल्डन डॉन का जो लीडर होता है वो यूनो और मिमोसा इनको बोलता है कि तुम्हारा काम इतना अच्छा था कि विजर्ड किंग ने तुम लोग को एक स्टार दिया है। तो फिर हमारा सीनियर बोलता है कि हमने ऐसा कोई काम तो किया नहीं कि हमें स्टार मिलना चाहिए। तभी ही लीडर बताता है कि तुमने जिस बंदे को पकड़ा है सालिम को, उसको पकड़ने के बाद हमें उससे और सच्चाई मालूम पड़ी कि उसके जो पापा है वो ब्राइब लेते हैं, वो गलत गलत काम करते हैं, तो इसीलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने एक इंपॉर्टेंट बंदे को पकड़ा है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि यूनो ने आस्था को बता दिया होता है कि उसे भी एक स्टार मिल चुका है। तो ये सुनने के बाद यूनो की काबिलियत देख के आस्था को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि यूनो वापस से तुम मेरे से आगे जा रहे हो और अभी वापस से हमारा डिस्टेंस 101 स्टार का बन चुका है। अरे यार वेल इसके बाद हमारा जो विजर्ड किंग होता है वो अपने कैसल में बैठा रहता है और तभी ही उसका अटेंडी वहां पे आता है और बोलता है कि सर एक बैड न्यूज है, हमारे आसपास बहुत खतरनाक चीज हो रही है। वो बोलता है कि ऐसा क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि एक एबनॉर्मलिटी आ गई है। वेल अभी एबनॉर्मलिटी क्या है वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें, वो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो देख के मजा आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही, मेरा नाम है साजवेट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।